आश्रय मंदिर कुनिया में नंदी जी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया गया, जहां पंचायत कुनियापुर से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। आइए दिखाते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ की खास रिपोर्ट। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा पुंछ जो है वो वैसे भी श्रावण का महीना है और छड़ी यात्रा पूरे देश भर से 10 दिन यात्रा चली और कल यहाँ से छड़ी गई। आज हम देख रहे हैं कि शिव मंदिर कन्हैया के अंदर ये अभी ही एक महीने पहले जो है यहाँ की नई कमेटी का जो गठन हुआ था, इन्होंने ये चार्ज लेते ही यहाँ देखा कि नंदी जी की जो मूर्ति थी वो काफ़ी समय से खंडित थी और हमारे शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति का जो है वो पूजा करने में जो है उसका कोई लाभ नहीं होता। आज यहाँ की जो समिति है उन सब ने मिल करके यहाँ जो पुनः जो है इस नई मूर्ति का जो है वो स्थापना की है। मैं यहाँ की समिति और पूरे गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पुंछ के अंदर जितने भी धार्मिक और सामाजिक लोग हैं उनसे मेरा यही आपके माध्यम से निवेदन है कि वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में जो है वो अग्रिम रहें और इसी प्रकार के कार्यक्रम जो है जिस प्रकार से ये पुंछ की ये पुलुस नगरी है, धार्मिक नगरी है, जिस प्रकार से धर्म कर्म के कार्य चलते हैं आगे भी ऐसे चलते रहें और लोगों का समाज का जो है इसमें सहयोग जो है वो मिलता रहे। बिल्कुल पुलिस चौकी थी। मैं आपको विस्तार से बताता चलूं कि जब यहाँ कन्हैया के अंदर शिव मंदिर का निर्माण हुआ तो जिस प्रकार का नवग्रह मंदिर के प्रति लोगों का आकर्षण आज है उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो यहाँ इस मंदिर की तरफ आकर्षण था, लेकिन बीच में कुछ कोरोना काल की वजह से या यहाँ पर जो सुरक्षा की एक चौकी लगी हुई थी वो हट जाने के कारण बहुत समय तक यहाँ हमें कोई पुजारी नहीं मिला। आज ये जो नई कमेटी बनी है इन्होंने उत्साह दिखाया है और मैंने इनको कहा था कि हम प्रयास करके जैसे ही ये रक्षाबंधन और छड़ी मुबारक का कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात हुई थी यहाँ पर एक स्थाई जो है वो चौकी पुलिस की लगनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक रास्ते का स्थान है और एक ग्रामीण क्षेत्र में अंदर आता है तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर पुलिस चौकी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो कि पूर्व में यहाँ पहले समय में यहाँ चौकी थी, कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ कारणों की वजह से यहाँ से वो चौकी उठा ली गई थी। मेरा आपके माध्यम से फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक निवेदन है कि यहाँ पुलिस की चौकी जो है वो जल्द से जल्द स्थापित की जाए। पार्टी में है तो पार्ट जाना।
ये पुनिया मंदिर का शीर्ष स्थान और काफी पुराना स्थान तो एक बड़ी अच्छी बात है कि खंडित मूर्ति जो है उसको रखना सिर्फ मूर्ति का ही नहीं खड़े करके जो मूर्ति के सरबरा होते हैं भगवान शिव उनका भी अपमान होता है। अच्छी बात है एक मिटिया खंड मूर्ति को जो है विसर्जन किया जाए नई मूर्ति की जाए। यहाँ तक अभी एक सवाल उठा था यहाँ की पुलिस चौकी का, इसे जो मैं सब मजदूर की चौकी उठा ली गई थी। यहाँ तक मूर्ति जी के का मंदिर है कृष्णा घाटी में, वहाँ से भी चौकी उठा ली गई थी। तो हमने कोशिश की, प्रयास किया, अपने जगह प्रयास किया कि उन लोगों पर वहाँ फोर्स दोबारा भेजी जाए। अभी पिछले दिनों हम यहाँ से रामकुंड मंदिर में गए तो वहाँ भी हमने देखा कि एक सिपाही है, दो सिपाही खड़े, तो हमने वहाँ भी प्रयास किया, वहाँ भी आप चार सिपाही हो गए हैं मेरे ख्याल में, तो हम भी प्रयास करेंगे। अब SSP साहब नए आए हैं, एक दो दिनों के बाद छड़ी यात्रा हो जाएगी, उसके बाद जब उसका समापन हो जाएगा हम कोशिश करेंगे। तो ये कमेटी का यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पक्का आएगी, गार्ड आएगी, पूरी कोशिश करके जाएंगे। यहाँ से दुनिया निवासी नहीं बल्कि शहर वालों से भी मेरी विनती है कि वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हों। ये विसर्जन जब होगा एक समय 1 बजे मूर्ति का, तो सब यहाँ आए और प्यार से जागोश गाते मूर्ति का विसर्जन करें। महीना पहले हमारी नई कमेटी का गठन हुआ यहाँ पे, हमने देखा कि नंदी जी महाराज की मूर्ति खंडित थी, तो शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। हमने नई मूर्ति मंगवाई और आज उसकी स्थापना कर रहे हैं और दूसरी खंडित मूर्ति को आज विसर्जन किया जा रहा है 1 बजे। और पूरे कुमिया वासियों ने यहाँ सहयोग दिया, आज हमारे बीच में प्रधान जी, बड़े प्रधान जी और मास्टर राजेंद्र जी और पूरे कुनियावासी यहाँ पर आए और इन्होंने बड़े हमें उत्साह दिखाया। और हम यही निवेदना करते हैं कि पूरा गांव यहाँ मिलके काम करे और ऐसे काम में सहयोग देता रहे।